जय हिंद दोस्तों। आने वाले 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मैच है। दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान और भारत के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस मैच को देखते हैं। और जब भी ये मैच होता है इसमें राजनीति जुड़ जाती है, राजनीति लोग जोड़ देते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी राजनीति जुड़ जाती है और भारत की तरफ से भी राजनीति जुड़ जाती है। पर खेलों को, मानना मेरा तो ये है कि खेलों को राजनीति से जितना दूर रखना चाहिए उतना बेटर है। राजनीति करनी है तो आप अपने देश के लिए राजनीति करिए। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप खेलों से क्यों राजनीति कर रहे हैं। और ये जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मैच है दोस्तों, ये पहले भारत के अंदर होना था आईसीसी, पर कोरोना की वजह से अब इसे यूएई में शिफ्ट कर दिया गया। अब 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच होना है दोस्तों। अब इसमें भारत की तरफ से राजनीति भी शुरू हो गई है इस मैच को लेकर, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी बड़ा बयान दिया इस मैच को लेकर। वहीं बीजेपी के सांसद हैं गिरिराज सिंह, जो विवादित बयान देने में माहिर हैं और चर्चा में भी रहते हैं, बिहार से सांसद हैं, उन्होंने इस मैच को लेकर भी बयान दिया। सबसे पहले गिरिराज सिंह की बात करते हैं। गिरिराज सिंह ने इस मैच को लेकर, भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी सही नहीं है, सही नहीं चल रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तान जो हमारे फौजियों को मार रहा है, इसलिए बीसीसीआई और केंद्र सरकार को, भारत सरकार को इसके बारे में, इस मैच के बारे में सोचना चाहिए और मैच को नहीं होल देना चाहिए, यानी कैंसिल कर देना चाहिए, यानी भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल देना चाहिए। अब इसी को लेकर दोस्तों AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी बयान दिया, वो भी स्क्रीन पर देख लिए। भारतीय सेना के 9 जवान जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं और 24 तारीख को भारत पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है। इनका कहना यह, जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे मोदी जी, जो आप कह रहे थे जब फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है, इनका कहना का यह है कि जब ये 9 जवान जो मारे गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आपकी सरकार, मोदी सरकार, आप भारत को T20 पाकिस्तान के खिलाफ खिला रहे हैं। अब दोस्तों इस मामले को लेकर बीसीसीआई ने भी रखी है अपनी बात। उन्होंने कहा है कि ये जो इवेंट है ये हम नहीं करा रहे, ये एक दो कंट्रियों के बीच में इवेंट नहीं हो रहा है, ये आईसीसी इंटरनेशनल काउंसिलिंग जो है दोस्तों, क्रिकेट काउंसिलिंग, वो ये जो पूरे देश के पूरी दुनिया के लोगों का जो ये मैच कराती है, जो वर्ल्ड कप ये इवेंट होता है, ये आईसीसी करा रही है। ये कोई दो देश के टीम का मैच नहीं हो रहा है, ये पूरा एक इवेंट का मैच है जी। इस पर हम अगर चाहेंगे भी कि भारत पाकिस्तान से ना खेले, तो जब फिर भी हम नहीं रोक पाएंगे। बस इतना हो सकता है कि अगर भारत नहीं खेलेगा तो भारत को ही नुकसान होगा, भारत को 0 पॉइंट मिलेंगे, पाकिस्तान को 2 पॉइंट मिल जाएंगे बिना खेले हुए। तो इसलिए ज्यादा अच्छा यह है कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो और भारत जीते और उसे 2 पॉइंट मिले। आप फ्री में पाकिस्तान को पॉइंट दे देंगे, ये तो बहुत, मतलब आप फ्री में बॉल डाल रहे हैं उनकी झोली में, फ्री में पॉइंट दे रहे हैं, ये तो खेलना ही बेटर है भारत को पाकिस्तान ने। और मेरा तो मानना ये है कि इस मैच से, ऐसे मतलब मैच से ही क्या, पूरे खेल से ही राजनीति को दूर ही रखना चाहिए। चलिए आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।